कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए काफ़ी अपडेट्स जो है मैं आज आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो अभी तक, अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र के साथ। तो महाराष्ट्र में जो है वो 16 जैन को वैक्सीनेशन स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन फिर 17 से होल्ड पे था, तो फाइनली जो है वो आज रिज्यूम होगा और 285 सेंटर्स पे जो है वो वैक्सीन का लगना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो कैंपस होता है उसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई कि नहीं, तो फाइनली वहाँ पे भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे भी 205 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मिली है। यहाँ पे अभी जो वैक्सीन मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, उसके बाद फेज़ बनेगी और लोगों को वैक्सीन मिलना स्टार्ट होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 दिन में जो है वो 11,280 लोगों को वैक्सीन मिली है, एंड इन टोटल अब तक जो है वो राजस्थान में 16,426 हेल्थ वर्कर्स को जो है वो कोरोना की वैक्सीन मिली है। अगर सेंटर्स की बात की जाए तो 167 वैक्सीन सेंटर्स है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये काम हुआ है। सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन के डोजेज लगाए गए हैं तो वो जो है वो है कर्नाटका में, 53,341 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। टारगेट था 1,08,922 का, हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 49% ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ा हुआ है गुजरात के साथ, तो गुजरात में भी जो है वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और अभी तक जो है वो 12,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन के डोजेज जो है वो लग चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो टोटल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंडिया में अब तक जो है इन टोटल अराउंड 3 दिनों में जो है 1,48,266 लोगों को जो है वो कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं दिया है कि कितनों को जो है वो भाई कोवैक्सीन दी गई है, कितनों को कोविशील्ड दी गई, और ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर सबको जो है वो कोरोना की वैक्सीन जो है वो मिली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है वैक्सीन शिपमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि इंडिया जो है ना वो अब वैक्सीन का हब बनने वाला है, मतलब इतने ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हो गए तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जगहों पे वैक्सीन जाएगी, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नेबर कंट्रीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, तो ये सारी जगहों पे जो है वो कुछ ही वीक्स में, मतलब आप कह सकते हो कि फेब्रुआरी में आपको देखने को मिलेगा वैक्सीन इंडिया से जो है वो अदर कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट होगी। और ये अच्छी बात भी है, इससे हमें मिलने वाले डोजेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दो चीज़ है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, MC लिख रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, प्लीज़ मिसलीड मत करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और उसके अलावा जो है वो हमारी इनोक्युलेशन कैपेसिटी है, हम कितने डोजेस पर डे दे सकते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चर मान लो 50 करोड़ करके रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इनोक्युलेशन में सिर्फ 10 करोड़ का यूज़ कर रहे हैं, तो 40 करोड़ ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो उससे अच्छा हम नेबर्स को प्रोवाइड करें ताकि वो भी जो है वो प्रॉपरली और अच्छे से जो है वो कोरोना से फाइट कर सके। ऐसा रखता हूँ आज का कोरोना वैक्सीन अपडेट का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो को देखा है ना तो एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करो, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।